आपके घर में रसोई गैस का जो सिलेंडर आता है उसके अंदर क्या होता है? LPG। लेकिन आप ये बात दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आपने थोड़ी देखा है कि सिलेंडर के अंदर क्या है। क्या पता सिलेंडर में रसोई गैस नहीं बल्कि गंदा पानी हो। सोशल मीडिया का दावा तो यही है। इसे साबित करने के लिए एक वीडियो में सिलेंडर को खोलकर दिखाया भी जा रहा है। क्या LPG सिलेंडर बताकर आपको पानी से भरा सिलेंडर बेचा जा रहा है? क्या है ये LPG सिलेंडर? भाई आपको तो यही बोलकर बेचा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आंखों से देखा है कि आपके घर में आने वाले सिलेंडर के अंदर होता क्या है? क्या वाकई रसोई गैस ही होती है? सोशल मीडिया का दावा है कि रसोई गैस के सिलेंडर के अंदर होता है ये पानी, गंदा काला पानी। अब इस सिलेंडर का ऑपरेशन होगा और देखते जाइए जनाब, देखते जाइए इस सिलेंडर के अंदर से भी कैसे पानी निकला जा रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि पूरा नया सिलेंडर है और सीलड भी है, लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इनके अंदर क्या हो सकता है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि गैस कंपनियां आपको चूना लगा रही हैं। आपसे वसूलती तो LPG का दाम है, लेकिन आपको बेचती हैं पानी और मिट्टी के तेल से भरा सिलेंडर। हमने भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा धोखा होगा कि गैस सिलेंडरों के अंदर गैस के बजाय पानी भरा जाएगा या तेल भरा जाएगा। वीडियो में लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि इससे गंध आ रही है। सवाल ये है कि वायरल हो रहे वीडियो में सिलेंडर से निकल रहा काला पानी आखिर है क्या चीज? क्या सिलेंडर के अंदर मिट्टी का तेल भरा हुआ है? क्या बाजार में LPG सिलेंडर बताकर मिट्टी के तेल से भरे सिलेंडर बेचने का गोरख धंधा चल रहा है? लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पिछले साल दिसंबर में भी हमने इस वीडियो का सच आप तक पहुंचाया था। वीडियो में जो सिलेंडर दिख रहा है वो इंडियन कंपनी का है, इसलिए हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से संपर्क किया था। ये वीडियो देखने के बाद कंपनी भी सख्ते में आ गई थी। कंपनी के मुताबिक सिलेंडर में पानी होना मुमकिन नहीं। ऑल्दो पानी होना संभव नहीं है किसी भी सिलेंडर में, पर यदि अगर ऐसा जो दिख रहा है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती तो अगर उन्होंने डिलीवरी लेते समय सिलेंडर को अपने चूल्हे में लगवा के चेक करा लिया होता तो उनको तुरंत पता चल जाता, क्योंकि तब वो गैस उसमें से नहीं आती और तुरंत बात पता चल जाती। कंपनी का पक्ष जानने के बाद हमने ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा से बात की थी। नरेंद्र तनेजा ने हमें बताया था कि रसोई गैस सिलेंडर में घपला करने का गोरख धंधा चल रहा है। लोगों ने जो है ये काला धंधा खोल रखा है। वो करते क्या है कि सिलेंडर को लेते हैं और सिलेंडर को लेने के बाद उसमें से जो गैस निकाल लेते हैं और गैस निकाल करके वो अन्य जगह उसको बेच देते हैं, और गैस का जो सिलेंडर है उसकी जगह उसमें या तो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं। LPG चूँकि लिक्विफाइड गैस है, अर्थात तरल गैस है ना, उसका मॉलिक्यूल वही है जो मिट्टी के तेल का है, और खासतौर से जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ केरोसिन का प्रयोग होता है मिट्टी के तेल का, और वो मिट्टी के तेल का बार बार प्रयोग करने के बाद वो काला हो जाता है और उसको बाजार में बेच दिया जाता है सस्ते दामों में। नरेंद्र तनेजा के मुताबिक ये चूक गैस कंपनियों की नहीं बल्कि ग्राहकों की है जो कहीं से भी गैस सिलेंडर खरीद लेते हैं। आप घर के नीचे जो साइकिल पे लेके जा रहा है सिलेंडर, उससे कभी सिलेंडर ना लें। आप सिलेंडर जो आपका ऑथराइज डीलर है उससे लें। अगर आपके साथ किसी डीलर के यहाँ से ऐसा सिलेंडर आया है, आपको तुरंत उसकी शिकायत करनी चाहिए अपनी कंपनी को, जिस कंपनी का वो है, और उसका उस डीलर का लाइसेंस कैंसिल हो, इस बात के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। ये सिर्फ उस ग्राहक के साथ होता है जो ग्राहक चूक रहा है, जो गलत तरीके से बाजार में नंबर दो के मार्केट से सिलेंडर ले रहा है। कंपनी के यहाँ से सिलेंडर निकल के जा रहा और आपके घर में आ रहा है, उसमें इस तरह की बात होने का प्रश्न नहीं होता, इस बात की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या करें, सिलेंडर खोल कर देखें? नहीं नहीं, सिलेंडर खरीदते वक्त बस कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा अधिकृत डीलर से ही सिलेंडर खरीदें। सिलेंडर पर लगी सील चेक करें। सील सुरक्षित तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ ये भी देखें कि सील गैस कंपनी की ही हो, उस पर कंपनी का नाम होना चाहिए। कोई दूसरी सील लगा सिलेंडर कभी ना खरीदें। बिना वजन तोले सिलेंडर ना लें। अगर सिलेंडर का वजन प्रमाणित 14.2 किलो से कम हो तो सिलेंडर वापस कर दें, और सिलेंडर की रसीद हमेशा लें। वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा सिलेंडर सीधे कंपनी से आया सिलेंडर नहीं है। ये वो सिलेंडर है जिससे LPG गैस निकालकर मिट्टी का तेल और पानी भर दिया गया है। ये वीडियो सही है, लेकिन गैस कंपनियां आपको चूना नहीं लगा रही हैं। सिलेंडर खरीदते वक्त हमेशा सतर्क रहें। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है।
उत्तर भारत के आसमान पर धुंध और धुएं की मोटी चादर लिपटी है। इस स्मॉग की एक बड़ी वजह कही जाती है पंजाब हरियाणा में खेतों में जलती पराली। लेकिन किसान भी अब क्या करें, धान की कटाई के बाद रबी की फसल बोने के लिए उनके हाथ में मुश्किल से एक महीने का वक्त होता है। मजबूरन किसान को पराली में आग लगानी पड़ती है। लेकिन सोशल मीडिया को अब पराली के खात्मे के लिए एक हथियार मिल गया है। ये उपाय भी बेहद किफायती है, लगेंगे सिर्फ 20 रुपए। क्या 20 रुपए में खत्म हो जाएगा पराली का दानव? आग पराली में लगी है लेकिन फेफड़े लोगों के जलने वाले हैं। ये धुआं सांस फुलाने वाला है। उत्तर भारत हाफ रहा है, स्मॉग ने सीना जला दिया है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में स्कूल गए बच्चे जब तक घर आते हैं तब तक उनके नाजुक फेफड़ों में 50 से 60 सिगरेटों के धुएं के बराबर वायु प्रदूषण घर कर चुका होता है। सरकारों और किसानों के पास इस पराली से निपटने का समाधान नहीं, सब सिर खुजा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया अब एक उपाय बता रहा है, दावा कर रहा है कि इस पराली का रामबाण इलाज है ये छोटी सी शीशी, और कीमत बेहद मामूली, सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए में साफ हो जाएगी पराली। अब खेत में खड़ी पराली बिना हटाए रबी की खेती कैसे करें? ICAR का वेस्ट डिकम्पोजर बहुत सस्ता और लाभप्रद विकल्प है। ये पराली खत्म करने का रामबाण इलाज है। इतना सस्ता है कि किसान पर कोई बोझ ही नहीं पड़ेगा। कृषि विभाग की दुकानों में वेस्ट डिकम्पोजर नाम से बैक्टीरिया की शीशी मिलती है। 20 रुपए की एक शीशी को 200 लीटर पानी में घोला जाता है। करीब 20 दिन में ही डिकम्पोजर की वजह से पानी में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इस पानी को केन में भरकर खेत में बिखरी पराली पर मशीन से स्प्रे कराते हैं। बैक्टीरिया 5 से 6 दिन में ही पराली को गलाना शुरू कर देता है। सवाल ये है कि वायरल तस्वीर में दिखाया गया वेस्ट डिकम्पोजर है क्या चीज, ये कहाँ से खरीदा जा सकता है? क्या महज 20 रुपए में पराली से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या वेस्ट डिकम्पोजर की एक शीशी पराली से निपटने में कारगर है? इस वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बात करने के लिए हम पहुंचे चंडीगढ़ के पास डेरा बस्सी के दंदराला गांव। यहां हमने किसानों को वायरल मैसेज दिखाया तो उन्होंने चुनौती दे डाली कि अगर महज 20 रुपए के वेस्ट डिकम्पोजर से कुछ दिन में पराली से निजात मिल सकती है तो उनके खेत में ही प्रैक्टिकल करके दिखा दे। नहीं ऐसा है, जिसने ये वायरल किया उसको बोलो भी मुझे फोन कर ले और मेरे खेत में आ जाए, प्रैक्टिकल करके दिखा दे। 20 रुपए में छुटकारा मिलता तो बहुत बढ़िया है। इससे कोई हल नहीं, मैंने खुद अपने खेत में भी ये किया था तो कोई बात बनी नहीं, फिर से दोबारा मेरे को ये उसको पलटना पड़ा, खराब उसकी जुताई करनी पड़ी 3-4 बार, तब जाके ये फिर भी 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता। हम कहते हैं अभी हमारे पास आओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, हम भी आगे से शुरू कर देंगे, हमारा कोई दिल थोड़ी करता है अभी हम आग लगाएं। कम से कम 20-25 दिन तो लगेंगे और फिर इसको पलटना पड़ेगा, पलटने के लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, छोटे ट्रैक्टर काम नहीं करते। ये तो बिल्कुल ड्रामा है किस्म का, बैठ बैठ के लिख दिया ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इसका। यानी ये समाधान है लेकिन कोई ऐसा समाधान नहीं जो किसान को राहत दे। ना, ये किसान को राहत देने वाला, ये तो पेनफुल है। अगली फसल आपको लगानी है 20-25 दिन में तो आपको गेहूं लगा, सिर्फ दिन ही दस होते हैं। किसानों के मुताबिक सब्जियों और कुछ फसलों पर तो ये वेस्ट डिकम्पोजर बेहतरीन काम करता है लेकिन पराली को खत्म करने में ये कारगर नहीं। ऐसा है जी, एक कल्चर होता है, एक 20 रुपए की शीशी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज दे रही है और ये कुछ संस्थान है जहाँ पे मिलती है, प्राइवेट नहीं मिलती। ज़मीन को फायदा करती है ये, सब्जी वाली फसल को, गेहूं को, ज़मीन को, जो उसकी है अपना धान को भी इसका फायदा होता है। ये पराली वाला नहीं कुछ समझ में आया, ये हमने करके भी देखा पर उसका रिजल्ट आते नहीं। किसानों ने हमें बताया कि इस वेस्ट डिकम्पोजर की एक शीशी को 200 लीटर पानी में मिलाया जाता है, इसके साथ ही उसमें 2 किलो गुड़ डालना होता है। महज 20 रुपए की वेस्ट डिकम्पोजर की एक शीशी में 100 रुपए का गुड़ डालना पड़ जाता है क्योंकि 1 किलो गुड़ की कीमत कम से कम 50 रुपए तो है ही। इतना महंगा तो वेस्ट डिकम्पोजर नहीं जितना कि उसे तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला गुड़ पड़ जाता है। फिर 1 एकड़ पराली को खत्म करने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर का 2000 लीटर का मिश्रण चाहिए। इतना मिश्रण तैयार करने के लिए 20 किलो गुड़ की जरूरत होगी। 200 लीटर करो, फिर गुड़ डालो, फिर बनाओ, फिर करो, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर इसको हम यूज भी करते हैं डी वेस्ट डिकम्पोजर को तो बहुत बड़ी मात्रा में बनाना पड़ता है और उसके बाद अगर पराली पे हम इसको घेरेंगे
तो उसको पलटना पड़ता ज़मीन को, जिसके लिए बहुत हैवी इक्विपमेंट चाहिए, तो इतना टाइम भी नहीं होता, वे एक एक महीना हम इसको स्प्रे करके ऊपर छोड़ दें। किसानों से बात करने के बाद अब हमने चंडीगढ़ में कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से राय जानी। उन्होंने भी किसानों के दावे पर सहमति जता दी। आप जानते हैं कि तकरीबन 3 हफ्ते या 1 महीने का पीरियड होता है जिसमें किसान को पैडी को हार्वेस्ट करके, उसको मैनेज करके और उसकी मार्केटिंग करके उसको अगली क्रॉप की सोइंग करनी पड़ती है, गेहूँ हो या आलू हो। उस पीरियड के अंदर ये डिकम्पोज नहीं होता है, और सर्दियों में डिकम्पोज कम होता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो डिकम्पोज कम होता है। तो ये हम मान के चलें कि पैडी के लिए हमें कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा। किसानों और कृषि विशेषज्ञ ने तो सोशल मीडिया के वेस्ट डिकम्पोजर से कुछ दिन में पराली गलाने के दावे को नकार दिया। अब हमने गाजियाबाद में संपर्क किया ये वेस्ट डिकम्पोजर बनाने वाली सरकारी संस्था नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग से। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी NCOF कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। NCOF की तरफ से कोई भी कैमरा पर आने को तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि इस वेस्ट डिकम्पोजर से पराली खत्म करने में 1 महीने से ऊपर का वक्त लगता है। वेस्ट डिकम्पोजर फसल के बचे हुए हिस्से को सड़ा गलाकर खाद में तब्दील कर देता है। कीटनाशक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पौधों पर भी इस वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इसके पराली को सड़ाने में लगने वाले वक्त की वजह से ये किसानों के बीच लोकप्रिय नहीं, फिर ये काम झंझट भरा भी है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। वेस्ट डिकम्पोजर को पराली खत्म करने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगता है, और धान की कटाई के बाद किसान के पास रबी की फसल बोने के लिए इतना वक्त नहीं होता। और तो और वेस्ट डिकम्पोजर का मिश्रण बनाने के लिए गुड़ की जरूरत होती है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। मच्छर दिखा, स्प्रे किया, और मच्छर का काम तमाम। किचन में कॉकरोच मिला, स्प्रे निकाला और कॉकरोच का सफाया। जरा सा स्प्रे मच्छर और कॉकरोच से निजात दिला देता है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि कीड़े मकोड़ों की शामत लाने वाला ये स्प्रे आपकी जिंदगी भी खतरे में डाल सकता है, आपके घर को जलाकर राख भी कर सकता है। क्या घर में आग लगा देगा कॉकरोच और मच्छर मारने वाला स्प्रे? ये वही स्प्रे है जो खतरनाक से खतरनाक मच्छर को मार गिराने का दावा करता है, कॉकरोच को ढूंढ ढूंढ कर ढेर कर देता है। ये स्प्रे दमदार है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि स्प्रे से सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ही खतरा नहीं है, खतरा आपको भी है। जो बाहर निकला स्प्रे, आपको मालूम है क्या है ये? ये केरोसिन है इसके अंदर, और पेस्टिसाइड भी लगा है, और इसको प्रेशराइज किया है LPG से। मतलब ये जो निकल रहा है बाहर, ये निकल रहा है, ये LPG और केरोसिन का मिक्सचर निकल रहा है। आप तो कॉकरोच या मच्छर दिखते ही तुरंत स्प्रे करने लगते हैं, लेकिन इस वीडियो का दावा है कि अगर स्प्रे को जरा सी भी चिंगारी मिल गई तो घर में आग के शोले भड़क सकते हैं। ये हमारे घर में इस तरह से ये फैलता है, और भगवान के सामने अगर दिया जल रहा है, किचन में अगर खाना पक रहा है LPG इसके ऊपर, और उसके कॉन्टेक्ट में चला गया तो फ्लैशबैक हो जाएगा और अंगार लग जाएगा। मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे अंगार लगा। बच्चा घर में यूज कर रहा है, मच्छर हो गया क्योंकि, या घर में कोई लेडीज यूज कर रही है और ब्लास्ट हो गया, मालूम भी नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या वाकई कॉकरोच और मच्छर मारने का स्प्रे आग पकड़ता है? क्या कॉकरोच और मच्छर मारने के स्प्रे में केरोसिन और LPG होती है? क्या स्प्रे की बोतल पर इसके ज्वलनशील होने की चेतावनी लिखी होती है? ये पहली बार नहीं है जब न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो का सच आपको बताने जा रहा है। 10 महीने पहले भी हमने इस वीडियो की पड़ताल की थी। वायरल वीडियो के दावे में कितना दम है ये जानने के लिए हमने बाजार से मच्छर और कॉकरोच मारने का ये स्प्रे खरीदा था। स्प्रे की बोतल पर नीचे लिखा था कि ये जहर है, लेकिन ये स्प्रे आग भी पकड़ता है, इस बात की चेतावनी इतनी सारी जानकारी के बीचों बीच बेहद ही छोटे अक्षरों में लिखी गई थी। और दूसरे स्प्रे की बोतल पर तो ये जरा सी जानकारी भी नहीं थी। स्प्रे की बोतलों पर लिखी जानकारी खंगालने के बाद हम पहुंचे थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। कॉलेज की लैब में हमने लाइटर के आगे ये स्प्रे करके देखा था। हमारी आंखों के सामने आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ गई थी। ये स्प्रे बेहद तेजी से आग पकड़ता है। हमने दीवार पर भी ये स्प्रे करके देखा और फिर बाद में जलता लाइटर इसके पास लेकर गए। इस बार स्प्रे ने जरा सी आग पकड़ी थी।
एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो बेसिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन किसी माध्यम में इसको होमोजीनियसली डिस्पर्स करने के लिए और दूसरे कवायद किए जाते हैं, जैसे उसको किसी विलायक में सॉल्वेंट में उसको सोल्युबलाइज किया जाता है। पहले केरोसिन विलायक भी है और ये प्रोपेलेंट गैस के साथ मिलकर के ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लेकिन क्या ये स्प्रे बिना ज्वलनशील पदार्थ के बन ही नहीं सकते? पेस्टिसाइड तो घातक होते ही है, टॉक्सिक होते ही है, उसके साथ अगर स्प्रे के माध्यम से उसको टारगेट किया जाए तो ज्वलनशील भी होते हैं वो, क्योंकि उसमें एलपीजी और केरोसिन जो है मिक्स करके उसको यूज करते हैं। बिना ज्वलनशील पदार्थ के साथ नहीं बन सकता उसमें, उसमें केरोसिन और एलपीजी ही होगा तभी वो स्प्रे हो पाएगा। ऐसे केमिकल्स को घुलनशील बनाने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद उसको एक होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम जो सबसे अच्छा विलायक होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो ज्वलनशील होते हैं। कीटनाशक स्प्रे में केरोसिन या इससे मिलते जुलते दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। कीटनाशक बोतल से स्प्रे हो पाए इसके लिए एलपीजी को तेज दबाव में स्प्रे की बोतल में भरा जाता है। अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो घर में दिया भी नहीं जाना चाहिए, मोमबत्ती भी नहीं जलना चाहिए। इसका इस्तेमाल करते समय गीले कपड़े रुमाल नाक में बांधिए, गॉगल्स लगाइए सेफ्टी के तौर पे, कि हो सकता है ज्वलनशील पदार्थ है और कीटनाशक दवाइयां हैं, इसका जो है स्प्रे करने के बाद हमारे आंख और मुंह तरफ भी फैलता है। रात को जब आप सोने जाए उसके पहले किचन में उसका इस्तेमाल करें, ताकि पूरा 12 घंटा वो पेस्टिसाइड में जो केरोसिन और एलपीजी और पेस्टिसाइड जो है वो सेटल डाउन हो जाए और उसका जहरीला जो प्रभाव लोगों पर ना पड़े। और अगर बेडरूम में कहीं यूज कर रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे तक जो है वो बेडरूम में फिर यूज नहीं कर रहे। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। घर में कीटनाशक स्प्रे करते वक्त सावधानी बरतें। AIMIM पार्टी के